हाँ जी, सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ अलग में ना आ जाए, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कभी नीचे गिर रहा था, कभी मैं ऊपर सर उठा लेता था। खास्ता अभी बाकी है, नीचे से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। ओके, पूरा चैन करते हैं। मैं जीत गया, क्या हो गया? आप लोगों ने देखा, अभी अभी मैच खत्म हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान का, और कितना नेल बाइटिंग एनकाउंटर, नेल बाइटिंग मैच देखने को मिला। और ऐसा लगता है कि इस बार इस एशिया कप में पाकिस्तान टीम ने कसम खाई हुई है कि जब तक देखने वालों की सांसें ना रुक जाएं, धड़कने तेज ना हो जाएं, और क्या कहते हैं, जान हलक में ना आ जाए, उन्होंने मैच नहीं जीतना। मतलब इंडिया से चलो मैच हो भी गया नेल बाइटिंग, लेकिन आज का मैच जब इतनी अच्छी बॉलिंग हो गई, 130 रन पे रोक लिया अफगानिस्तान टीम को, तो फिर लगा कि ये तो आसानी से चेज हो जाएगा पाकिस्तान का। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम है और ये अनप्रेडिक्टेबल है, और हम जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो तो कभी होता नहीं। खैर, बैटिंग शुरू हुई। एक तो बाबर आजम, पता नहीं कप्तान साहब की फॉर्म कहाँ चली गई है। हम थक गए क्या क्या के एशिया कप में कि विराट कोहली की फॉर्म कहाँ है, विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई है, हम लोग खुश हो गए। लेकिन विराट कोहली के चक्कर में हमारे अपने कैप्टन बाबर आजम की फॉर्म चली गई, आज वो आउट हो गए। चलो, उसके बाद फखर साहब रन आउट, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना कम स्कोर चेस कर रहे हो आप, इतना रिस्की रन लेने की जरूरत क्या थी। खैर, वो भी आउट हो गया। उसके बाद रिजवान और इफ्तिखार की पार्टनरशिप, इफ्तिखार अहमद साहब बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन शॉट उनसे कोई लगी नहीं, और एक शॉट लगी वो आउट हो गए। खैर, रिजवान साहब को इसलिए माफ़ किया क्योंकि एक तो राशिद खान बॉलर था, ऊपर से हर मैच में परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज आउट हो गए तो हो गए, ये लोग तो आउट हुए। लेकिन उसके बाद लगता था कि पैनिक बटन ऑन हो गया, और जिस तरह खुशदिल साहब आउट हुए, जिस तरह नवाज आउट हुआ, जिस तरह पे टेल एंडर्स पे बारी आ गई, सदाब खान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, दो तीन छक्के भी उन्होंने मारे, लेकिन वो बड़े टाइम पे आउट हो गए। बात ये कि अभी मैच खत्म हुआ है, मैं अभी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब तक वीडियो देखेंगे तो कल अगला दिन हो गया होगा। तो मैं इस तरह कहता हूँ कि कल जो मैच हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये सारे तो आउट हो गए, सदाब खान ने अच्छी बैटिंग की, वो बड़े टाइम पे आउट हो गया। उसके बाद टेल एंडर्स एक के बाद एक आउट हो गया, फिर आसिफ अली को उम्मीद थी, उन्होंने एक छक्का भी मारा, लेकिन अगली बॉल पर टॉप एज आउट हो गए। अब सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं, आखिरी ओवर है 11 रन। अब उम्मीद किससे लगाएं, हसनैन और नसीम से, जिनका कुछ पता नहीं बॉलिंग में, तो चलो पता है नसीम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है अपने करियर की, T20 करियर की बॉलिंग के हिसाब से, लेकिन बैटिंग का क्या। लेकिन फिर बैटिंग आई, आखिरी ओवर आया, और वो पहली दो बॉलें, उफ, सच कहूँ दिल बाहर आ गया था मेरा, धड़कने रुक गई थी, समझ नहीं आया था क्या होगा, बाउंड्री के बाहर जाएगी या कैच होगा। लेकिन दो छक्के दो बॉलों पे आउटस्टैंडिंग, नसीम साहब मैन ऑफ द मोमेंट, और मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच भी नसीम साहब है। वेल डन, मुबारकबाद नसीम साहब, तुसी ग्रेट हो। मुबारक हो बहुत बहुत नसीम साहब को, मुबारक हो बहुत बहुत पाकिस्तान टीम, पाकिस्तानी फैंस, हम लोगों को। पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां हमारा मुकाबला अब श्रीलंका से। श्रीलंका पाकिस्तान अनबीटन है सुपर फोर राउंड में, और अनफॉर्चुनेट हुआ अफगानिस्तान और इंडिया की टीमें बाहर हो गई हैं, क्योंकि अभी एक एक मैच रहता है इस सुपर फोर राउंड का। कल और परसों फ्राइडे को ख़त्म होगा ये सुपर फोर राउंड के मैचेस, लेकिन फाइनल्स की लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है। पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल होगा संडे को, और इंडिया और अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच खेल के रवाना हो जाएंगे वापस घर। तो अब लेट्स सी फाइनल में क्या होता है। संडे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल होने जा रहा है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत टाइम बाद किसी फाइनल में आए पाकिस्तान की टीम, और इस बार सब जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई ना कोई खड़ा हो रहा है, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में। आज ही देख लीजिए, एक बॉलर बैटिंग में खड़ा हुआ और उसने मैच जिता ली। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बहुत सारी उम्मीदें इस टीम से। तो एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो नेल बाइटिंग एनकाउंटर के बाद जो जीत मिली हमें पाकिस्तान की, और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, उसकी मुबारकबाद फिर से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और व्लॉग, किसी और वीडियो में, इंशाल्लाह एशिया कप फाइनल वाली वीडियो में, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। तो देखते हैं किसी और वीडियो, किसी और व्लॉग के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।